ना आलूओं को उबालना और ना ही आलूओं को घंटों तक पकाना। आज मैं आपके साथ में कच्चे आलू से बनने वाला एक बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये झटपट बन के तैयार हो जाता है, यकीन मानिए बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए बनाते हैं कम सामान में ये नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि, मेरे चैनल होप विद निधि में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे ये नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 से 4 आलूओं को छील करके और पानी में डाल लिया है। उसके बाद हम इसे कद्दूकस करते जाएंगे। पानी में डालने से आलू काले नहीं पड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक बाउल में पानी लेंगे और इसे 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है आलूओं में। तो हम अच्छे से वॉश कर लेंगे तो हमारा जो नाश्ता है वो क्रिस्पी बन के तैयार होगा। और ये देखिए, इस तरीके से हम ऐसे निचोड़ लेंगे आलूओं के लच्छों को, इस तरीके से देखिए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ये नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाया भी होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप चेंज करेंगे तो ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो एक बार मैंने पानी को इस तरीके से फेंक दिया है, दोबारा फिर से मैंने पानी लिया है और इस बार मैं प्लेट को भी साफ़ कर लूँगी जिससे कि स्टार्च इसमें लगा ना रहे। और इसी तरीके से आलुओं को थोड़ा मसल मसल के, आलुओं के लच्छों को हम इस तरीके से धुल करके और निचोड़ के एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने आलूओं के लच्छों को ऐसे निचोड़ लिया है। और अब हमने यहाँ पे 4 हरी मिर्च को बारीक कट करके इसमें ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ पे बेसन ऐड करेंगे। तो 3 चम्मच हमने यहाँ पे बेसन लिया है। उसके बाद 2 चम्मच हमने यहाँ पे सूजी यानी कि रवा ऐड किया है। इससे नाश्ता क्रिस्पी बन के तैयार होगा। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती ऐड करेंगे और ये जो आलूओं के लच्छे और हरी मिर्च है इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और चुटकी भर हम यहाँ पर हल्दी ऐड कर देंगे कलर के लिए। इधर हम गैस ऑन करके कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख देंगे और ये जो मिक्सचर है इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से आप बनाइएगा। पकौड़ी आपने हमेशा बनाई होगी, बनाते ही हैं सभी लोग, लेकिन आप एक बार ऐसे बना के देखिएगा। और लास्ट में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो जब पकौड़ियों में ये लच्छे आएंगे ना आलू के, तो एक अलग ही इसका टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पोर्शन लेके और टिक्की शेप में हम इसे ऐसे बना लेंगे। आप चाहे तो इसे पकौड़ियों की तरह गोल गोल शेप में भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। और बस एक एक करके हम इसमें ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा चेंज करके हम नाश्ते को एक नया लुक दे सकते हैं। और ये देखिए, थोड़ी देर बाद हम इसे पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही, यानी कि जो आलू के लच्छों की पकौड़ियाँ हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। इनमें जैसे हम नॉर्मली पकौड़ी बनाते हैं उनसे ज़्यादा इनमें क्रिस्प होता है, क्रंच होता है। तो आप एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपने जितना भी आपको चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, गोल्डन ब्राउन चाहिए, उतने तक आप इन्हें फ्राई कर लें। और यहाँ पे देखिए, हम इन्हें निकाल ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें सर्व करेंगे सॉस या चटनी के साथ में। आप इन्हें छोटी छोटी पकौड़ियों की तरह भी बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत क्रिस्पी बनती हैं। तो ये देखिए, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरीके से आप एक बार ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।